घटनाएं घट रही हैं, मगर इस बार जो घटना घटी है और इस बार जो बच्चे हमारे मरे हैं, तो उसने सारे देश को झकझोर दिया है। मैं प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने बहुत एक तरह से सख्त टिप्पणी की। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि जो लोग भी हैं वो सख्त टिप्पणी कर देते, मगर इसका उपाय क्या होगा, इसके लिए बजटीय प्रोविजन क्या होगा, इसके लिए बिहार को विशेष सुविधा क्या दी जाएगी, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। जब घटना घट जाती है तब जो है आते हैं लोग और वही बात को दोहराकर चले जाते हैं जो 5 साल पहले उन्होंने बिहार में आकर कहा था। मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी तरह की राजनीति नहीं कर रहा हूं, बल्कि संयोग से अभी जब केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं तो इनको बहुत अच्छा व्यक्ति समझता रहा हूं, गंभीर आदमी समझता रहा हूं और पेशा से जुड़ा हुआ भी व्यक्ति समझता रहा हूं, मगर 5 साल पहले भी वो आए इस बिहार में और बिहार में आने के बाद उन्होंने उस वक्त जो घोषणा की तो घोषणा इस बार भी आके करके गए। तो अब इससे बड़ा मजाक बिहार के लिए क्या हो सकता है कि एक केंद्रीय मंत्री आए और 5 साल पहले जो घोषणा करे और वो घोषणा इम्प्लीमेंट नहीं हो, तो इसका मतलब कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी प्राथमिकता सूची में बच्चों की मौत का रोकथाम करने का विषय नहीं है। अगर बच्चों की मौत को रोकथाम करने का विषय होता तो केंद्र सरकार भी मदद करती, कार्यक्रम बनाती, विशेषज्ञ भेजते और उसके बाद जो है कोई न कोई निदान निकलता। महोदय, करीब जो समाचार पत्रों में आए सरकार आधिकारिक रूप से बोलेगी, सरकार की अपनी आदत होती है कि जो उनके अस्पताल में जो निर्मित हुए उसकी सूचना वो उपलब्ध कराते हैं। प्राइवेट में कितने लोग मरे, फिर दूसरे अस्पताल में कितने लोग मरे उसकी सूचना नहीं है, मगर कमोबेश लोगों का मानना है कि 200 से अधिक बच्चे मर गए। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 200 बच्चे मरे हैं गरीबों के बच्चे मरे, अगर ये बच्चे बड़े होते तो हो सकता है इसमें से कोई दूसरा नीतीश कुमार पैदा हो सकता था, हो सकता है इसमें से कोई दूसरा लालू यादव पैदा हो सकता था, हो सकता है कि इसमें कोई कर्पूरी ठाकुर जैसा आदमी पैदा हो सकता था। तो मैं कह सकता हूं सुशील मोदी जी प्रेस करते रहे, इस बार भी उन्होंने 2 साल का बजट पेश किया और जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं वो अपने विभाग का डिमांड लेके आते हैं। सरकार बताए कि बजट में जो स्वास्थ्य के लिए राशि का प्रोविजन किया गया उसमें क्या इस चमकी को रोकथाम करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाए गए? प्रधानमंत्री ने ही कहा, महोदय प्रधानमंत्री ने ही कहा कि बड़ी चूक हुई है। तो बड़ी चूक हुई है तो उसका तो पहले निदान होना चाहिए ना, कि सिर्फ कह देना कि बड़ी चूक हुई है। मैं कह सकता हूं महोदय कि जो इस बार की घटना घटी है, जितने लोग मरे हैं, इसमें सरकार भी शर्मसार हुई है, बिहार भी शर्मसार हुआ, राजनीति